नमस्कार। आज ये संडे है और आज मैं आपके लिए लाया हूं अध्यात्म का विषय। आज अपन बात करेंगे भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र आखिर किसने दिया और क्यों दिया सुदर्शन चक्र। ये सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण के पास में देखने को मिलता है। इस सुदर्शन चक्र की एक खासियत है कि जब यह निकलता है ना तो दुश्मन का अंत करकर वापस उसी स्थान पर आ जाता है। इस सुदर्शन चक्र की कोई काट नहीं है, इस सुदर्शन चक्र को कोई मात नहीं दे सकता है। यह अगर एक बार अगर अपने कमान से निकल गया ना तो इसके वार से कोई नहीं बचा सकता है। इस सुदर्शन चक्र के बारे में एक छोटा सा वृतांत शिव पुराण में मिलता है। एक बार असुरों का अत्याचार धरती पर बहुत बढ़ चुका था। सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास में आते हैं और सहायता मांगते हैं कि प्रभु हमें इन असुरों से बचाएं। भगवान विष्णु के पास में ऐसा कोई अस्त्र नहीं था कि वो असुरों का संहार कर सके। तो भगवान विष्णु महादेव की आराधना करते हैं। भगवान विष्णु महादेव के 1000 नामों की स्तुति करते हैं और हर नाम के साथ में एक फूल कमल का फूल भगवान महादेव को अर्पित करते जाते हैं। जब ऐसे करते 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 जब पूरे 999 फूल महादेव को अर्पित कर देते हैं तो जब महादेव सब ये देखते हैं तो महादेव भगवान विष्णु की परीक्षा लेते हैं। महादेव एक फूल उसमें से गायब कर देते हैं। जब श्री हरि देखते हैं कि अंत में एक फूल नहीं है, अब वो सोचते हैं कि महादेव की स्तुति कैसे करें, तो उस फूल की जगह भगवान विष्णु अपनी आंख निकालकर महादेव को अर्पित कर देते। महादेव यह देखकर बहुत ही प्रसन्न होते और प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु को कहते हैं कि मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगिए आप क्या मांगते हैं मेरे से। तो भगवान विष्णु महादेव से ये मांगते हैं कि असुरों का संहार कैसे किया जाए। पृथ्वी पर असुरों का आतंक बहुत बढ़ चुका है, महादेव कुछ ऐसा अस्त्र दीजिए कि इन असुरों का संहार किया जा सके। उस वक्त भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र देते हैं और उस सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु कितनी बार असुरों का संहार किया। हर जगह जब जब भी आतंक बढ़ा भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र से असुरों का संहार किया। तो इस प्रकार महादेव ने सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दिया असुरों का संहार करने के लिए और तब से यह एक अस्त्र विष्णु जी के पास में हो गया सुदर्शन चक्र का और सभी इस सुदर्शन चक्र से डरने लगे। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हर संडे ऐसे ही आध्यात्मिक विषय में आपके लिए लाता रहूंगा।